एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, हम सबको पता है कि 3 दिन पहले क्या हुआ, और जिनको नहीं पता है उनकी बात ही नहीं करनी है। हमारे भारत के जो प्रथम CDS थे, जनरल बिपिन रावत सर, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है, और कल ही उनका पूरे विधि विधान के साथ दाह संस्कार किया गया। तो मेन बात क्या है कि एज अ सिविलियन हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं कि हम भी उनको रिस्पेक्ट दें और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम उनके बारे में भी रखें। बिकॉज सी, पता है हो क्या रहा है, हमको है ना, वो जो लोग बॉर्डर पे खड़े ना, उनकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। कब समझ में आएगी? एक दिन भी वो लोग हट गए ना बॉर्डर पे से, क्या होगा? ऐसे बातचीत नहीं चल रही होगी, सीधा एक एक को खोपड़ी में पड़ेगी गोलियां, है ना। तो हम जिन लोग ने खुद की जान ही दे दी, उनको हम क्या दे सकते ज़्यादा से ज़्यादा? हमारी उतनी औकात भी नहीं है। आई एम गोना स्पीक वेरी फ्रेंकली, येस, हमारी औकात नहीं है, क्योंकि वो है ना हमारे जीवन रक्षक है, उनका लेवल है ना, हम तो सिर्फ कुछ ही नहीं है। तो एटलीस्ट हम इतना काबिल तो बन सकते कि हमारे लिए वो लोग शांति से अपनी जान दे सके बिना टेंशन लिए, इतना तो काबिल बन सकते ना। कि क्योंकि देखो, बाहर से जो दुश्मन आते हैं उनसे लड़ना उनके लिए बहुत ही सरल है, लेकिन हम जो अंदर गदर मचाते ना उनसे उनको प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट हम इतना तो काबिल बन सकते ना कि हमारे लिए वो जान दे सके। तो आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका खून इस वतन के काम आता है।